हेलो गाइस, वेलकम टू सुनील एकेडमी। तो इस वीडियो में हम रोबोमेट सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको उसे किस तरह से जो है क्रैक करना है और आप जो है रोबोमेट में इजीली जो है अपने अकाउंट को बना सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि गूगल फॉर्म में आप जो है सक्सेसफुली जो है लॉग इन करके आप जो है फॉर्म को सबमिट करोगे तो आपके पास जो है अकाउंट कुछ ही समय में जो है डिलीवर हो जाएगा। तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि सबको जो है अकाउंट प्रोवाइड कर सकूं और काफ़ी ज़्यादा जो है अकाउंट मैंने प्रोवाइड कर चुका है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आने के बाद ये आप देख सकते हो शायद ये टोटल 66 रिक्वेस्ट आई है। और अगर मैं अपने चैनल पर जाऊँ तो यहाँ अगर इस वीडियो को मैं ओपन करता हूँ तो 66 टोटल लाइक भी नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों कोई बात नहीं, 1500 सब्सक्राइबर पूरने का मुझे इंतज़ार था और ये पूरा हो चुका है। तो आज मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा और आने वाली वीडियो में जो कि तुरंत अपडेट हो जाएगी, तुरंत इसके बाद जो है अपलोड होने वाली है, तो आप अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास भी जो है नोटिफिकेशन इसका आता रहे। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है रोबोमेट की अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि रोबोमेट जो है किस सिक्योरिटी को यूज करता है और उसे आप किस तरह से जो है क्रैक कर सकते हो। तो रोबोमेट में पहला जो सिक्योरिटी है वो है मोबाइल के EMI नंबर से रजिस्ट्रेशन होना, कि जब आप रोबोमेट अकाउंट पर अपना जो है अकाउंट को क्रिएट करते हो तो वो क्या करता है कि आपके मोबाइल के EMI नंबर से जो है रजिस्टर कर देता है, जिसके कारण जो है आप मोबाइल के हैंडसेट का EMI नंबर चेंज नहीं कर सकते हो और उस नंबर जो आपके मोबाइल का EMI है वो तो पहले से ही रजिस्टर है, तो आप जो है अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो इसका जो है हल ये है कि आप जो है ऐप कोलेनर का जो है यूज कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है मैं आपको फट से बता देता हूँ। इसे आपको ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको रोबोमेट को डबल करना है, तो आप रोबोमेट पर क्लिक कीजिए। रोबोमेट के पर क्लिक करने के बाद आपको जो है नेम कुछ भी रख सकते हैं या फिर इसे आप ना छेड़छाड़ करें वो भी सही है। तो मेन यहाँ सेटिंग होता है प्राइवेसी ऑप्शन में, प्राइवेसी ऑप्शन में आपको जाना है। यहाँ से इनकोग्निटो मोड को अगर आप चाहे तो ऑन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो है कुछ भी इसमें ब्राउज कीजिएगा तो आपका हिस्ट्री जो है नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं जो है इस फीचर को जो है ऑन कर दिया हूँ। ये आप कर भी सकते हैं नहीं कर सकते, मेन आपको ऑन करना है चेंज एंड्रॉयड आईडी, दिस इज़ मस्ट, यही आपको जो है ऑन करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो मोबाइल का EMI है ये रैंडम सा कोई भी EMI नंबर जो है आप में फिक्स करेगा, आपके डिवाइस को कुछ हानि नहीं होने वाली है, ये जो ऐप है उसके लिए एक रैंडम सा नंबर EMI जनरेट करेगा और इसमें जो है उस ऐप को प्रोवाइड कर देगा। इससे आपको मोबाइल में कोई जो है डैमेज नहीं होने वाली है। उसके बाद हाइड EMI आप चाहें तो कर सकते हैं, मेन फीचर है जो है चेंज एंड्रॉयड आईडी है, इसे आपको ऑन करना ही करना है। फिर अगर आप स्पोप लोकेशन करते हैं तो इससे क्या होगा कि आप इसमें आपको जब ऑन करेंगे तो आपको एक लोकेशन सिलेक्ट करने को कहेगा, तो आप जिस लोकेशन को आप सिलेक्ट कर लेंगे तो जब आप ऐप्स को यूज करोगे तो आपका जो है लोकेशन वही शो करने वाला है। उसके बाद आप चाहें तो रिक्वेस्ट और परमिशन जो है ये इसे भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन ये जो है एंड्रॉयड 6 प्लस जो है वर्जन में हो सकता है, बाकी नीचे वाला वर्जन जो है उसमें नहीं हो सकता है। तो देख लीजिए एक बार ध्यान से आपको क्या क्या ऑन करना है, इनकॉग्निटो मोड, चेंज एंड्रॉयड आईडी, हाइड EMI, उसके बाद आप अगर आप चाहते हैं तो स्पूफ लोकेशन को ऑन कर दीजिए, रिक्वेस्ट और परमिशन, उसके बाद इसे बैक करना है और सिंपली यहां से टिक मार्क पर क्रिएट क्लिक करना है, जिसके कारण जो है आपका जो ये रोबोमेट का डुप्लीकेट ऐप जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, आप इसे इंस्टॉल कर लें। तो पहला जो है EMI से रजिस्ट्रेशन का जो है उसका आपको जो है मैं बता दिया कि आपको उसको किस तरह से जो है एक्सेस करना है। और सेकंड जो आता है उसमें आता है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जो है लोकेशन तो आप चेंज कर लोगे, आपका मोबाइल EMI नंबर जो है वो भी चेंज कर लोगे, लेकिन आपका जो है मोबाइल नंबर जो है वो आप नहीं प्रोवाइड कर पाओगे, क्योंकि आप कितना जो है सिम को यूज करोगे, और पहली बात और सेकंड बात यह है कि आप जो है इसमें सिर्फ इंडियन मोबाइल नंबर से ही जो है रजिस्टर कर सकते हो, अगर यूनाइटेड स्टेट से होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये जो है इंडियन मोबाइल नंबर जो है आपसे कहता है कि प्रोवाइड कीजिए,
तो मैं आपको इसमें एक लेटेस्ट न्यूज़ बताने वाला हूँ दोस्तों, कि अगर आपका जो एक ही मोबाइल नंबर है उससे आप चाहें तो मल्टीपल अकाउंट बना सकते हो। तो मैंने इसमें खुद देखा हूँ कि ये जो आने वाले दिनों में ये रोबोमेट ने ये जो सिक्योरिटी थी कि जब आप अकाउंट को क्रिएट करते थे तो या तो अननोन नंबर बताता था या फिर एरर इन सिलेक्टिंग कोर्स बताता था, तो ये जो फीचर है, ये जो सिक्योरिटी है रोबोमेट में, ये शायद अभी ऑफ हो चुकी है। तो आप चाहे तो एक ही जो नंबर है उससे आप मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, आपके सामने जो है एक अकाउंट को क्रिएट करके दिखाऊंगा, तो वो सक्सेसफुली जो है आपसे क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। जो रोबोमेट ने दो सिक्योरिटी को यूज करता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और भी सिक्योरिटी बहुत है, लेकिन ये जो खास जो सिक्योरिटी है जिसके कारण न्यू अकाउंट जनरेट करने में आपको प्रॉब्लम आती है, ये जो यही है। और इसको आप किस तरह से क्रैक करोगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो मेरे जो है नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें आप ज़रूर देखें, उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है रोबोमेट में न्यू अकाउंट बना सकते हो। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। और अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सिंपली यूट्यूब में जाइए, सुनील अकेडमी को सर्च कीजिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी ट्रिक जो है अपलोड होती है वो 100% वर्किंग होती है। और ये शायद आप दोस्तों ने फिल भी किया होगा जिसके कारण ये जो है आज गूगल फॉर्म पर इतने रिक्वेस्ट आ रहे हैं। और गाइस जब आप वीडियो को देखते हो तो इसे लाइक कर दिया करो या फिर इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए करो, जिसके कारण जो है आपके दोस्त भी जो है इसे फ्री में जो है एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो बाय दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रोबोमेट के अकाउंट किस तरह से जो है क्रिएट करते हैं।